हाय हाय, घर में एक घड़ा पानी भी नहीं है और घर में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे देकर राजा के पास से एक घड़ा पानी खरीद कर ला सकूं। पता नहीं हमारे वीरपुर गांव को कौन सा श्राप लग गया है जिसकी वजह से वर्षा ने अपना मुंह ही फेर लिया है। एक बूंद पानी भी गांव में कहीं नहीं मिल पाता है। एक समय तालाब, नदी, नाला सब कुछ भरे भरे रहते थे और आज एक बूंद पानी के लिए पूरे गांव के लोग तड़प रहे हैं और उसी का फायदा उठा रहे हैं हमारे वीरपुर के राजा। राजा के पास इतनी धन संपदा है, फिर भी एक घड़े पानी के लिए गरीबों से उनकी आखिरी चीज तक छीन ले रहा है ये राजा। हाँ। जय हो महाराज, मैं चंद्र की जय हो। ये लीजिए महाराज, ये 3 मुद्राएं हैं। ए, इसे एक घड़ा पानी दे दो, उसके बाद वाले आओ। महाराज महाराज, ये लीजिए मेरे पत्नी के सोने के गहने। ये तो असली सोना ही लग रहा है। ए, इसे 5 घड़े पानी दे दो, उसके बाद वाले आगे आओ। महाराज महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मुझे बस एक घड़ा पानी दे दीजिए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गए हैं। अगर आप एक घड़ा पानी देंगे तो ही मेरी बेटी बच पाएगी। हाँ महाराज। ओह, सुबह सुबह तंग करने चला आया, पैसे देने की औकात नहीं है तो पानी पीकर क्या करोगे? हाँ, जा जा आसमान की तरफ मुंह खोलकर ताकता रहे, जब बारिश होगी तब पी लेना। बाहर निकालो इसे। साधु बाबा, आप तो इस गांव में काफी दिनों से तपस्या कर रहे हैं, आप ही बताइए इस गांव के लोगों की जल के अभाव से कब रक्षा होगी? राजा का अत्याचार अब और नहीं सहा जाता। हाँ, बताइए बताइए, अब हम और सह नहीं पा रहे हैं। नहीं बच्चा नहीं, इस गांव से पानी का अभाव नहीं मिटाया जा सकता। राजा के पाप के अत्याचार का घड़ा गले तक भर चुका है, जिसकी वजह से बादलों ने भी मुंह फेर लिया है। इसीलिए आसमान में बादल भी उमड़ते और एक बूंद बारिश तक नहीं होती। तो बाबा, वर्षा कराने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है वत्स, अगर कोई राजा को उसके पापों की सजा दे पाए तो फिर इस गांव में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। वही होगा तुम्हारा देव, तुम्हारा रखवाला। नहीं, लगता है पानी के बिना ही जान निकल जाएगी। गांव में किसमें इतनी हिम्मत है जो राजा को पापों की सजा देगा? ऊपर वाला देगा। कहाँ कहाँ है ऊपर वाला? अरे, मैं ये रास्ता भटककर किस गांव में आ गया? पूरे गांव में एक बूंद पानी तक नहीं मिला। तालाबों का और कुओं का पानी सूख कर बंजर भूमि बन चुका है। मेरा गला भी सूखता जा रहा है अब तो। वहाँ कोई नजर आ रहा है, जाता हूँ, जाकर थोड़ा पानी मांग लेता हूँ। नमस्ते, मैं राजा आदित्य राज, हाँ, सिंहपुर का राजा। पानी की तलाश में यहाँ तक पहुँचाया हूँ, अगर आप थोड़ा पानी दे देते तो बहुत उपकार होगा। रुकिए, ये क्या, इतने से पानी से तो चींटी तक का पेट नहीं भरेगा। महाराज माफ करिएगा, यहाँ पानी हीरे से भी ज्यादा कीमती है। सारा पानी महाराज ने अपने कब्जे में जमा किए हुए है, ज्यादा कीमत चुकाकर बस एक घड़ा पानी ही मिल पाता है। मेरी औकात बस इतना पानी देने की ही थी। हाँ। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तो अन्याय है। राजाओं के लिए क्या अन्याय और क्या न्याय। अगला कौन है, आइए। महाराज, मैं चंद्र, प्रणाम। मैं सिंहपुर का राजा आदित्य राज हूँ। बहुत प्यासा होने की वजह से आपकी शरण में थोड़े जल की आशा में आया हूँ। अगर आप थोड़ा जल देकर मेरी सहायता कर दें तो। अवश्य करूँगा, पर उसके बदले में मैं 3 सोने की मोहरे लूँगा। पर इस मुहूर्त में मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं प्यास से मर रहा हूँ। तो फिर माफ कीजिए, तो मैं इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
महाराज आदित्यराज, ये तो दिखने में बहुत ही आकर्षक पुरुष है। पहली बार किसी पुरुष को देखकर मेरे मन में शादी की इच्छा हो रही है। पिताजी, हमारे पास तो इतनी धन संपत्ति है, किसी प्यासे को थोड़ा सा जल देकर मदद कर देंगे तो क्या नुकसान हो जाता। राजकुमारी, तुम राज दरबार के कार्यों के बीच में एक शब्द मत बोलो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारे इस अन्याय का विनाश अतिशीघ्र ही होने वाला है राजन। आप सब मुझ पर विश्वास करके मेरे बुलाने पर यहाँ पे आ गए हो, इसके लिए धन्यवाद। जल, हवा, अनाज, ये सब प्रकृति का दान है, इसलिए राजा के ये जल के बदले कीमत लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझे? हमें एक होकर राजा का विनाश करना ही होगा। महाराज, महाराज, आप हमें धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? उल्टा हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, गांव की ओर जरा नजर घुमाकर देखिए, चारों तरफ जमीनें फट चुकी है। इस बुरे वक्त में आपने हमारी तरफ से अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है, अब तो आप ही हमारे रक्षक हैं। लेकिन इस मेघ चंद्र का विनाश हम करेंगे कैसे? हमारे पास ऐसा कौन सा रास्ता है? मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अगर कोई राजा का विनाश करेगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और वही तुम्हारे लिए देव होगा। मैंने आदित्यराज के अंदर उस देव को देखा है। तुम ही कर पाओगे पुत्र, तुम ही राजा का विनाश कर पाओगे। लेकिन कैसे बाबा? ये लो तुम्हारे लिए 3 घड़े। राजा मेघचंद्र, जल का दूसरा नाम जीवन है, लेकिन तुम्हारे लिए मृत्यु है ये। जय हो महाराज मेघचंद्र की जय हो। जय हो महाराज मेघचंद्र की जय हो। प्रणाम महाराज, मेरी तृष्णा मिटाने के लिए आपने मुझसे मुद्राएं मांगी थी ना, तब मैं कुछ नहीं दे पाया था, लेकिन आज लाया हूँ, ये देखिए। बाप रे, इतनी सारी मुद्राएं, दो 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 दो। देने के लिए ही तो लाया हूँ मैं, लेकिन उसके पहले ये 3 घड़े आज शाम तक पानी से भरने पड़ेंगे आपको महाराज। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात ही तो है। अगर आज शाम तक ये घड़े आप जल से नहीं भर पाए ना, तो फिर ये राज्य और संपत्ति सब मेरे हो जाएंगे। कहिए, तैयार हैं? मेरा कुआं कितना गहरा है, तुम वो बिना जाने ही मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। इस कुएं के पानी से पूरा राज्य धोया जा सकता है। इन छोटे छोटे 3 घड़ों को भरने में मुझे एक पल का भी वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर सारे गांव वाले सभी साक्षी हैं। हाँ, साक्षी हैं। चलो, मैं राजी हूँ। अरे कौन है, घड़े में जल भरो। अरे तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। जाओ फिर से पानी भरकर इसमें भरो। जाओ, जल्दी करो। क्या बात है, इतने छोटे से घड़े में इतना सारा पानी भरने के बाद भी ये भर क्यों नहीं रहा? तो एक काम करो, और भी सैनिकों को बुलाकर सभी मिलकर इसमें भरो। जाओ। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अब लगता है मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या हुआ महाराज, गड़ा भर गया क्या? नहीं, वो पानी। ऐसे हकला क्यों रहे आप, नहीं भर पाए ना? जरा मुझे घड़े दिखाइए। अरे ये क्या, आपके गहरे कुएं का पानी भी तो खत्म हो चुका है। इसका मतलब आपके कहने के अनुसार आज से ये राज्य और सारी संपत्ति मेरी हुई, सही कहा ना? हाँ, सही कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो मुझे।
ऐसा मत करो। जिस जल से आपने गांव वालों को लूटा है महाराज, आज उस जल ने आपको लूट लिया है। जल का यही नियम है, पात्र से अनुरूप वो अपना आकार लेती है। जल पर सबका अधिकार है, किसी एक का नहीं। इसीलिए ये सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी। इसे कहते हैं अहंकार। अच्छा हुआ। अपने पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज से आप इस राज्य के राजा हैं। अब से वही होगा जो आप कहेंगे, समझ गए? ठीक है, तो फिर मैं आपसे शादी करके अपने राज्य वापस लौट जाना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी? तैयार हूँ। जय हो महाराज आदित्य राज की जय हो। जय हो महाराज आदित्य राज की जय हो। हमारे नए महाराज की जय हो।